हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को ये डिज़ाइन बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टार को बनाने के लिए हमको इस तरह से पीस चाहिए। ये 3x3 का पीस है। तीन कलर हमको चाहिए। मैं ये तीन कलर ली हूँ, रेड वाइट एंड ब्लू। तो ये इस तरह से हम पीस लेंगे 3x3 का। और ये नीचे ऊपर कपड़ा रखकर हम बीच में लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद जो ये हमारा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम कट करेंगे तो हमारा ये इस तरह से पीस बनकर रेडी होगा। इसी तरह से ब्लू के ऊपर रखकर हम बनाएंगे तो इस तरह से ब्लू का पीस बनेगा। और रेड बनाने के लिए हमको इसी तरह से नीचे रेड रखेंगे और ऊपर वाइट रखेंगे और दोनों साइड सिलाई करके कट करेंगे तो इस तरह से हमारा ये पीस बनेगा। इस तरह से बीच में कट कर देंगे तो हमारा ये इस तरह से पीस बनेगा। तो हमको ये एक स्टार बनाने के लिए 8 पीस चाहिए, ये ब्लू एंड वाइट, और 8 पीस चाहिए रेड एंड वाइट। जब हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। इसके कॉर्नर को हम आयरन करके कट कर लेंगे तो हमारा ये पीस जो है इस मेज़रमेंट में आएगा, 2.5 आएगा सिलने के बाद। अब इसको हम किस तरह से बनाना है चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको ये स्टार दो टाइप में बनाना होगा, देखिए, नहीं तो हमारा ये हंटर स्टार नहीं बन पाएगा। ये एक जो ब्लॉक है ये स्टार का, इसका जो ये ब्लू कलर है इस डायरेक्शन में जाना चाहिए चारों ओर से। जैसे देखिए, ये इधर गया, फिर इसको हम घुमाएंगे तो ये इधर गया, फिर इधर से भी इधर, और यहाँ से भी इस साइड ही जा रहा है। और दूसरा ब्लॉक जो है इसका, जो ये ब्लू है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, ये इधर जा रहा है, चारों साइड से हम घुमाएंगे तो ये इधर जाएगा। तो ये हमको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये पैटर्न ठीक से नहीं बन पाएगा। तो देखिए, हमको दो रंग का ये ब्लॉक चाहिए। तो पहले मैं इसको बताती हूँ किस तरह से बनेगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारा ब्लू कलर है, इसको ये इस तरह से गया है, ये वाला इस तरह से गया है। तो पहले हम ये इसको एक पीस ये बनाएंगे, ये एक पीस, देखिए देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बनेगा ये वाला। ये पीस बनेगा ये वाला, केवल ये कोने पर का जो ये पीस है कॉर्नर पर, ये वाला बनेगा। इस तरह से हम इसको लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से हम चार पीस बनाएंगे एक ब्लॉक के लिए। देखिए, और ये एक, चार पीस। तो इसको हम इस तरह से, इसको इस तरह से सिलेंगे एक दूसरे में। इसको सिलने के बाद हम इसमें इस तरह से अटैच करेंगे। इसको मैं पहले से ही बना ली थी तीन पीस। इसको
इसको हमको इस तरह से जोड़ना है कि ये जो रेड है इसके बगल में वाइट आए, फिर वाइट के बगल में ये रेड आए, फिर वाइट, फिर रेड, फिर वाइट, फिर रेड, तभी हमारा ये पैटर्न ठीक से बनेगा। नहीं तो एक पीस अगर इधर उधर हुआ तो हमारा ये ब्लॉक ठीक से नहीं बन पाएगा। अब हम इन सबको एक साथ सिलेंगे तो हमारा ये वाला पैटर्न बनेगा। अब इसको बनाने के लिए देखिए, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से सिलने के बाद ये इस तरह से ये होगा। फ्रेंड्स, इन दोनों में हम डिफरेंट बता दे रही हूँ, देखिए ये अलग अलग है। ये जो फर्स्ट वाला मैं ब्लॉक बताई थी, ये वाला इसका ये है और ये इसका है, दूसरे स्टार ब्लॉक का। इस तरह से ये बनेगा ऐसे, तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। तीन पीस मैं बनाकर रखी हूँ, 1, 2 और ये 3, और इसको हम इस तरह से सिलेंगे तो हमारा ये वाला पैटर्न बनेगा। इसके बाद हमको एक ब्लॉक और चाहिए, इस तरह से वाइट एंड ब्लू। इसका मेजरमेंट जो है 4.5 है चारों ओर से, ये दोनों कलर का, और इसको इस तरह से हम सिलेंगे, वाइट ब्लू, वाइट ब्लू। तो हमको ये हंटर स्टार बनाने के लिए हमको एक ये ब्लॉक चाहिए और एक ये इस तरह का स्टार बना हुआ हो और दूसरा इस तरह से स्टार बना हुआ हो। तो पहले मैं इसको भी सिल लेती हूँ, फिर एक साथ कैसे ज्वाइन होता है मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉक सब रेडी है। ये 2 टाइप स्टार है और ये 4 पैच, तो इसी से हमारा ये हंटर स्टार डिज़ाइन बनेगा। वैसे तो मेरे चैनल पर पहले से ही ये हंटर स्टार डिज़ाइन है, अगर आप उन लोगों को देखना चाहते हैं उसको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर उसको भी देखिएगा। वो 2 कलर में है और ये जो है 3 कलर में है। अब देखिए हम इसको किस तरह से सेट करते हैं। पहले हम इसको रखेंगे, ये 4 पैच जो ब्लॉक है, इसके बाद हम देखेंगे अगर इधर ब्लू है तो हम इस पीस को उठाएंगे कि ये जो ब्लू है इसमें आकर मिल जाए। इसे देखिए, ये मिल गया और ये वाइट जो है इसमें मिल जाए। तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है कपड़ा, सिल देंगे तो इसको हम कट कर लेंगे, लेकिन ये जॉइंट मिलना चाहिए और इधर का छोड़ दीजिए, उसको हम कट कर लेंगे बाद में। फिर अब ये है इधर, तो इसको हम ये वाला स्टार लेंगे, ये दूसरा वाला, इसको हम यहाँ से सेट करेंगे। ये वाइट पे वाइट मिलना चाहिए और ब्लू में ब्लू मिलना चाहिए। ये देखिए, अब ये 4 पैच वाला, अब इसको हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे कि ये ब्लू इसमें आ जाए और ये ब्लू इसमें और ये वाला वाइट इसमें, ये वाला वाइट इसमें। सिलेंगे तो हम कट कर लेंगे, ये जो बड़ा वाला पीस है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा ये डिजाइन नहीं बन पाएगा। ये बड़ा है तो इसको कट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिलने के बाद इस तरह से ये रेडी होगा। इसका फाइनल लुक देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा।
अल्लाह हाफिज़।